गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों छात्र छात्राओं को 5 दिवसीय दीपावली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक टॉपिक हमारा आज रहेगा बहुलवाद। इससे पहले हमने जिन टॉपिकों की बात की थी उनको एक बार देख लेते हैं हम। अपने ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमें इसके अध्ययन में सहायता मिल सके। हमारा अध्ययन था, मुख्य जो अध्ययन था, संप्रभुता में हमारा दो चीजों में अध्ययन करना था। संप्रभुता में हमें दो टॉपिकों में अध्ययन करना था, अद्वैतवाद और बहुलवाद अद्वैतवाद और बहुलवाद। अब सबसे पहले हमें इसमें अध्ययन किया संप्रभुता का अर्थ हम किसे कहते हैं, ये हमारा अध्ययन था। संप्रभुता का अर्थ और परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। संप्रभुता को हमने दो भागों में बांटा, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। और इसी प्रकार फिर हमने देखा संप्रभुता के लक्षण। फिर हमारा टॉपिक था कि संप्रभुता के लक्षण अर्थात विशेषताएं क्या है। संप्रभुता का लक्षण में मुख्य विशेषता निपुणता होती है, इस प्रकार से अनियंत्रता होती है, स्थायित्व होता है, अविभाज्यता होती है। फिर हमने संप्रभुता के रूपों के बारे में पढ़ा, संप्रभुता के विभिन्न रूप कौन कौन से संप्रभुता के विभिन्न रूप है, औपचारिक, अनौपचारिक, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। फिर हमने राजनीतिक संप्रभुता का अध्ययन किया कि राजनीतिक संप्रभुता कौन सी होती है, राजनीतिक संप्रभुता क्या है। फिर हमारा जो अध्ययन था वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में संबंध, वैधानिक एवं राजनीतिक संप्रभुता में संबंध, इनके मध्य संबंध क्या है, इस बारे में अपने अध्ययन किया था। फिर हमारा टॉपिक था लोक प्रभुता यानी संप्रभुता को लोगों की शक्ति में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। फिर हमारा आता है संप्रभुता का अधिवास, संप्रभुता कहाँ कहाँ है, संप्रभुता का अधिवास मतलब संप्रभुता कहाँ कहाँ है, संप्रभुता कहाँ कहाँ अधिवास होती है, कहाँ कहाँ संप्रभुता विद्यमान है। फिर हमने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को समझा, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत। फिर हमने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को समझने की बात की, उसकी आलोचनाएं की, उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया। और अब जो हमारा ये संप्रभुता का इतना जो अध्ययन है हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए हमें पूर्व वाले वीडियो को भी इनके अध्ययन के लिए देखना होगा। अब हमारा इसी में जैसे मुख्य टॉपिक आ जाता है संप्रभुता, अद्वैतवाद और बहुलवाद। हमने आज तक जो अध्ययन किया वो अद्वैतवाद तक किया, और अब जो हम अध्ययन करेंगे
ये बहुलवाद का है। बहुलवाद क्या है? बहुलवाद हम किसे कहते हैं? हम अध्ययन करते हैं एज ए टॉपिक, एज ए सेशन, बहुलवाद। बहुलवाद क्या है? देखिए, संप्रभुता की जिन लोगों ने विवेचना की, संप्रभुता की जिन लोगों ने बातें की, संप्रभुता को जिन लोगों ने समझाने की कोशिश की, वो लेखक थे बोंदा, होवस, हिगल, आस्टिक। अनेक विद्वानों ने संप्रभुता के अद्वैतवाद को परिभाषित किया, यानी हमने यहां से यहां तक का अध्ययन था वो संप्रभुता का अद्वैतवाद था, संप्रभुता का अद्वैतवाद था। और इस अद्वैतवाद का तात्पर्य ये था, अद्वैतवाद का तात्पर्य यह था कि प्रत्येक राज्य में एक संप्रभुता होती है और सभी व्यक्ति और समुदाय उस संप्रभुता के अधीन होते हैं और सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण सत्ता है वो राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी और अविभाज्य होती है। मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमारी परिभाषा थी, ये परिभाषा अद्वैतवाद की थी, जिसमें राज्य की संपूर्ण सत्ता राज्य के पास होती है, व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं, सर्वोच्च सत्ता राज्य के पास होती है, राज्य ही स्थायी, अविभाज्य और मूल सर्वव्यापी होता है, मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है। संप्रभुता की अद्वैतवाद की इस धारणा के विरुद्ध ये जो हमारे धारणा की बात की, जो पूर्व में हमने सारी धारणा की बात की जिसमें नियमन राज्य सर्वोच्च शक्ति है, वो नियमन नियंत्रण करता है, व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं, उस धारणा के अगेंस्ट जो विचारधारा हुई, उस धारणा के विपरीत जो बात आई, उस धारणा की आलोचना स्वरूप जो बात आई, उस वाद को हम बहुलवाद कहते हैं। तो इस बहुलवाद की परिभाषा को हम इस प्रकार कर सकते हैं। बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवाद धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जाता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का श्रेय अंत करना श्रेय कर मानते हैं, वो मानते हैं कि राज्य अस्तित्व बनाए रखना है परंतु राज्य की प्रभुसत्ता का अंत श्रेय कर होगा। अब हम बहुलवाद की बात करते हैं। बहुलवाद संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेय कर मानती है। बहुलवाद की बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य समुदायों का अस्तित्व राज्य को राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की सदस्यता को स्वीकार नहीं करता, वरना राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य की सत्ता संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। विद्वान हेसे ने इस संबंध में लिखा है कि अब हमारा बहुलवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं, अब इसमें हम अर्थ की बात होगी, परिभाषाओं की बात करते हैं तो इसमें आता है विद्वान हेसे का नाम। विद्वान हेसियो, विद्वान हेसियो ये कहते हैं कि बहुलवादी राज्य ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं होता बल्कि विभिन्न भागों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जा सकता है। अद्वैतवाद कहता है विभाजित नहीं किया जा सकता, बहुलवाद कहता है विभाजित किया जा सकता है। सत्ता सिर्फ राज्य में नहीं है, सत्ता बहुत सारे संघों में पाई जाती है। इस प्रकार एक दूसरे लेखक हुए लिंडसे महोदय क्या कहते हैं, कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है, यानी अद्वैतवाद की संप्रभुता का सिद्धांत का अंत हो चुका है।
फिर आता है हमारा बार्कर। बार्कर महोदय क्या कहते हैं? बार्कर महोदय के अनुसार बार्कर लिंडसे तथा एशिया के बाद जो हमारे नेक्स्ट विद्वान थे बार्कर, बार्कर ने कहा कि कोई भी राजनीतिक इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि संप्रभुता राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है, जितना हमारा अद्वैतवाद निष्फल हो चुका है। तीसरा है नेक्स्ट लेक्स्ट लेखक थे हमारे लोस्की। लोस्की मोदी क्या कहते हैं? लोस्की मोदी कहते हैं कि समाज के ढांचे को पूर्ण रूप होने के लिए, समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संगात्मक होना चाहिए, उसे संगात्मक होना चाहिए। इस प्रकार जो अद्वैतवाद की सिद्धांत की परिभाषाएं विद्वानों ने ली, उस विद्वानों की परिभाषाओं के अगेंस्ट, उस विचारधारा के अगेंस्ट, उस विचारधारा के विपरीत एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें हम चार लोगों के नाम मुख्य लोगों को ले सकते हैं, एशियो, लिंडसे, बार्कर और लोस्की। इन चारों ने जो स्पष्ट किया वो अद्वैतवाद के विपरीत विचारधारा थी, उस अद्वैतवाद की विपरीत विचारधारा को बहुलवाद नाम दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व। बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व, बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व। 17वीं और 18वीं और 19वीं सदी में विश्व के अधिकांश भागों में जो अद्वैतवाद की सत्ता थी उसमें प्रभु सत्ता के अनियंत्रित रूप को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन प्रभु सत्ता संबंधी ये जो नई विचारधारा आई उसमें 20वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुकूल नहीं थी। अतः अनियंत्रित प्रभु सत्ता का सिद्धांत एक अव्यवहारिक तथा मर्त सिद्धांत बन गया। उनके स्थान पर बहुमुखी आवश्यकताओं पर आधारित, आदमी की बहुत सी आवश्यकताओं पर आधारित बहुलवादी विचारधारा का सिद्धांत का जन्म हुआ, बहुलवादी विचारधारा का उदय हुआ। और बहुलवादी विचारधारा के उदय में कौन कौन से तत्व है उनका हम अध्ययन करते हैं। नंबर एक आता है एकलवादी राज्य के विरोध प्रतिक्रिया। नंबर एक आता है एकलवादी राज्य के विरोध, एकलवादी राज्य के विरोध प्रतिक्रिया, एकलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया। आदर्शवादी विचारधारा को चरमोत्सार को उत्कर्ष पहुंचाने के हिगल ने राज्य को पृथ्वी के परमेश्वर की धारणा के रूप में संबोधित किया। हिगल एकमात्र राज्य को ही नैतिक तथा आदर्श संस्था मानता था। राज्य के निरकुश तथा असीमित प्रभुसत्ता का उपासन होने के कारण अन्य समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हिगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था, और इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसका उदय बहुलवाद के रूप में हुआ। बहुलवाद प्रभु सत्ता को असीमित न मानकर सीमित मानती है तथा राज्य के साथ अन्य समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। अतः यह सरलता से कहा जा सकता है, अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुलवाद के विकास में आदर्शवाद के विरोध का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा है राज्य की अयोग्यता, राज्य की अयोग्यता। अद्वैतवाद के राज्य की अयोग्यता, अद्वैतवाद राज्य की अयोग्यता के परिणाम स्वरूप बहुलवाद के विकास का एक कारण रहा। वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ गए, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अधिकाधिक बल प्राप्त करती जा रही थी, लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने का यह प्रयत्न राज्य की अयोग्यता को परिणित करता है। प्रोफेसर वार्ड के अनुसार इससे केंद्र को पक्षघात तथा लकवा तथा दूरदर्शी शिरों पर रक्तहीनता या पांडुरोग हो सकता है। बहुलवादी विकेंद्रीकृत राज्य में अपने सिद्धांत के आधार पर वर्तमान में राज्य की त्रुटि को दूर करना चाहते हैं। नंबर तीन मध्यकालीन
संघवादी विचारकों का प्रभाव, मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव, मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव, बहुलवादी विकास के जर्मन लेखक गियर तथा ब्रिटिश लेखक मेंडलेट तथा फिलिंग आदि विचारकों ने एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया। गियरनर्स फिनलैंड ने लोगों को का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकर्षित किया जिसमें राजशक्ति एक स्थान पर केंद्रित न थी, समाज के आर्थिक संघों में प्रमुख स्थान था। इस विचारधारा में सामाजिक हित में फिर से इस व्यवस्था को ग्रहण करने पर बल दिया। इस प्रकार फिंगिस ने मध्यवादी चर्च में स्वतंत्र अस्तित्व की बात कहकर इस बात का प्रतिपादन किया कि शक्ति का उपयोग एक नहीं वरना अनेक हो सकता है। फिंगी के अनुसार जिस प्रकार मध्यकाल में समुदायों की सत्ता उपयोगी तथा राज्य में हस्तक्षेप से परे होती है, उसी प्रकार वर्तमान समय में सांस्कृतिक आर्थिक तथा समुदायों में स्थित है। इस प्रकार समुदायों को समकक्ष स्वीकार करते हैं, समुदायों को राजनीतिक सत्ता का संघात्मक होना चाहिए। इस प्रकार मध्यकालीन संघीय व्यवस्था को प्रेरित करने वाले विचारकों ने बहुलवाद को मुख्य ध्यान दिया। नेक्स्ट आता है नंबर 4, बहुलवाद के कारण का। नंबर 4 आता है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में असंतोष। नंबर 4, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में असंतोष, व्यवस्था में असंतोष। नेक्स्ट, जो बहुलवाद का सबसे मुख्य कारण था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अपनाई गई थी उसमें प्रादेशिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का असंतोष था। इस श्रेणी में सामंतवादी तथा संघवादी विचारकों ने इसके स्थान पर व्यवसायिक तथा कार्यात्मक की मांग की और इसके कारण बहुलवाद का उदय हुआ। नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास, बहुलवाद के विकास का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस व्यवस्था से जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का विकास से इस युग को अंतर्राष्ट्रीय युग कहा जाना लगा और राष्ट्रीय राज्यों तथा राष्ट्रीयता की भावना के उद्देश्य असीमित प्रभुता का विकास हुआ। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण बहुलवादी विचारकों को प्रोत्साहन मिला। नंबर 6 है विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास। विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास, विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास आधुनिक काल में अनेक क्षेत्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया कि विधि राज्य का एकमात्र आदेश मात्र नहीं है वरना उसके ऊपर एक वस्तु है। ये विधि शास्त्री इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है और विधि निर्माण के संबंध में राज्य की प्रभुसत्ता की अनन्यता और सर्वोच्चता की बात निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। इन विचारकों में डिग्विट क्रेव के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कानून राज्य के ऊपर वस्तु है,
विधि शास्त्रियों ने इस प्रतिवाद में निश्चित किया कि प्रभु सत्ता ही एकमात्र एकवादी धारणा को धक्का कर लगा है, भूलवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी विधि शास्त्रियों के विकास के परिणाम स्वरूप ही बहुलवाद का विकास हुआ। नंबर सात श्रमिक वर्गों का विकास। श्रमिक वर्गों का विकास, धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, पूंजीवादी व्यवस्था पतनोन्मुख पर हो गई, समाजवाद और साम्यवादी लोकप्रिय होती जा रही है। इन विचारधाराओं के आधार पर जब साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ, उन विचारधाराओं के आधार पर विश्व में श्रमिक संगठनों का गठन हुआ, जो केवल पूंजीपतियों वर्ग ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का विरोध करते हैं। इन श्रमिक वर्गों का अंतिम लक्ष्य तो आर्थिक क्षेत्र में शक्ति स्वयं के हाथों में लेना है। श्रमिक वर्गों के इस बढ़ते हुए प्रभाव के कारण संप्रभुता में एक तत्ववादी यानी अद्वैतवादी विचार का पतन हुआ और बहुलवादी विचार को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हम प्रमुख जो विचारक है उसमें हम बात कर सकते हैं हेरिया, लिंडसे, वाल्कर और लास्की, और उसके बाद भी हम गियर्स, लैंड मेंटेन, फिलिंग्स, डिगिविट, क्रेब, पाल बंकर, एबी लेंटन, डेनमेक, मिसफाल, अर्नेस्ट बार्कर, को लास्की, इस प्रकार के ये हमारे इसके विकास में सहायक तत्व। हमने दो चीजों का अध्ययन किया, एक तो बहुलवाद का अर्थ और परिभाषा, दूसरा बहुलवाद के विकास में सहायक। बहुलवाद के विकास में सहायक है एकलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया पहला, दूसरा है राज्य की अयोग्यता, तीसरा है मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव, और चौथा है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में असंतोष, और पांचवा है अंतरराष्ट्रीय विचारधारा का क्रमिक विकास, और छठा है नीति शास्त्रीय तत्वों का विकास, और सातवां है श्रमिक वर्गों का विकास। यानी ये जो सात तत्व है, ये सात तत्व बहुलवाद को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इससे पहले हमने अद्वैतवाद या एकलवाद को पढ़ा था, अब बहुलवाद में हमने दो चीजों को स्पष्ट किया, बहुलवाद का अर्थ व परिभाषा और बहुलवाद के सहायक तत्व। थैंक यू, धन्यवाद, घर में रहे सुरक्षित।